चप्पल कब उठाई बताओ बताओ। सिर्फ चप्पल ही नहीं, चॉकलेट रैपर, आइसक्रीम कप, कोक टिन, कूड़ा कचरा, ये सब जमा करते हुए 6 महीने बिता दिए इसने। मुझसे पूछे बगैर क्यों उठाई? बोलकर उठाने के लिए। ये सब शॉप से खरीदी चीजें नहीं है, तुम्हारी ही यूज की हुई है। इनको तुम कचरा मत समझो, बल्कि जमा करने वाले की भावनाओं को समझो। तुम्हें पता है, वन साइड लव में 6 महीने बिताकर आखिर में हिम्मत करके प्यार का इजहार करने के लिए मूवी टिकट्स खरीद के लाने पर तुमने उन्हें फाड़कर मुंह पर मार दिया। पागल लड़का, प्यार का इजहार करना भी नहीं आता। अरे प्यार का इजहार करने के लिए प्यार करने वाला मिलना चाहिए, और वो प्यार हम नहीं बना सकते, वो तो ऊपर वाला ही बनाता है। जब प्यार होता है ना, तो बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता चल जाता है। ये इस तरह क्यों देख रही है? इसे प्यार करने के लिए मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर आज नहीं मानी तो एक दिन जरूर मान जाओगी, ये उसका विश्वास है। उस चीज को तुम समझो। समझ गई क्या? ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? अगर एक लड़की प्यार के लिए नहीं मानी तो लड़के उस दर्द को बियर की बोतल में उतार कर पी जाते हैं। भगवान के लिए उस सिचुएशन में इसे मत लाना। एक इंसान दिन में 8 घंटा जॉब करता है, लेकिन ये 24 घंटे जॉब करता है। मैंने कौन सी जॉब की? वही तुम्हारे लवर की जॉब। करता हूँ। देखो जानकी, इसके प्यार को समझो, तुम्हारा प्यार इसे दे दो। अपने प्यार को तुमने जितना प्यार किया है उससे ज्यादा प्यार करके ये तुम्हें प्यार से रखेगा। हाँ, रखूंगा। प्यार करके लाइफ दोगी या ना कहकर दर्द दोगी, ये तुम्हारी मर्जी। चल। हेलो, एक मिनट मुझे देखो, ये सब मैंने किया है। अरे अरे देखो ना, ये मुझे क्यों नहीं देख रही है? चल। डायलॉग अच्छा बोला तूने। अरे वो सब मूवी के डायलॉग्स थे। चल ना। हेलो, डस्टबिन का कचरा टेबल पर क्यों रखा है? प्यार का इजहार। मुझे लगा ही था लड़का म्यूनिसिपालिटी में काम करता है क्या? नहीं, 6 महीने मेरे पीछे घूमकर ये सब जमा किया है बेचारा। तुम्हारा सिर आधे घंटे पहले जमा किया होगा, सफाई अभियान का नाटक करके तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा है। चित्रा, वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे सच में प्यार करता है। जब उसके दोस्त ने बताया कि मुझे कितना प्यार करता है तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ओहो, ये सब उसने खुद नहीं कहा? क्यों, गूंगा है क्या? नहीं। तो फिर दूसरी भाषा का एक्टर है जो हिंदी में उसकी कोई और डबिंग करेगा? प्यार उसने किया है या उसके दोस्त ने? वो बात नहीं कर पा रहा था, उसके दोस्त ने अच्छी तरह समझाया। पागल लड़की, वो तुझे पटाने के लिए ये सारे नाटक कर रहा है, ये बात तेरे दिमाग में नहीं घुस रही है क्या? मुझे तो वो एक नंबर का फ्रॉड लगता है, और तू उसके जाल में फंसती जा रही है। तू कुछ भी बोल, अगर तू उसकी बातें सुनेगी तो पक्का आई लव यू कहेगी और उससे प्यार करेगी। मैं और प्यार? ठीक है, उन दोनों को बुलाओ, वो कितने सिंसियर हैं जरा मैं भी देखूं। उसके प्रपोज करने का ढंग अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं ही तुम दोनों को मिलाऊंगी, और नहीं लगा तो मैं ही कट करूंगी। मेरी बात मानेगी ना? हाँ मानूंगी। चल बैठ। एक मिनट यार, मेरी वाली का फोन, मेरे लिए तो उसको एक डायलॉग बोलना यार प्लीज। ए, पक्का आई लव यू बोलने के लिए फोन किया होगा, एंजॉय कर। पक्का, फिर तो मैं ही बात करूंगा। हेलो। तुम्हारे दोस्त ने प्यार के बारे में जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके बोलने का स्टाइल, उसकी बातें, उसका एक्सप्रेशन। हे रुक जाओ, इसका मतलब तुम उसे आई लव यू कहोगी क्या? मुझे लग ही रहा था, जैसे तुम उसे घूर घूर के देख रही थी ना, तभी मैं समझ गया था तेरे बारे में। अरे ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? मैं जान हथेली में लेके बस के पीछे दौड़ा, वो दिखाई नहीं दिया। इसने प्यार भरी 4 बात क्या कर ली, तुझे इसी से बात करनी है? ये पागल, मेरी बात सुन। मैंने अपने दोस्त को अपने प्यार के बारे में बताया, वो मान भी गई। वो मेरे लिए मेरी सगी बहन की तरह है, उसे तुम और तुम्हारा बिहेवियर पसंद आना चाहिए। कल अपने दोस्त को साथ लेकर उसी समय उसी जगह पर आ जाना। सच में? क्या? जैसे उसने मुझसे बोला, मेरी दोस्त से भी उसी तरह बोलने को बोलना। अगर वो मान जाएगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब तुम्हारी दोस्त नहीं मानी तो तुम मुझे ना कर दोगी क्या? सुनो, तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो जैसा कहा है वैसा करो। ओके। भूलना मत अपने दोस्त को साथ लेके आना। दोस्त दोस्त, उसे दोस्त मत कहो, मुझे दर्द होता है। और तुम अकेले आए तो सब कुछ वापस शुरू हो जाएगा। ठीक है, गुड बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, उसकी दोस्त के सामने मुझे अपनी ईमानदारी का टेस्ट देना है। दोस्त? कौन है वो? मुझे क्या पता, तुझे भी बुलाया है। यार जिसका टेस्ट है उसे ही देना चाहिए। अरे अरे, कैसे भी तूने आधा ठीक कर दिया, आधा और ठीक कर देना यार। अगर तूने ठीक कर दिया तो मैं तेरी सपनों की रानी के मिलने तक तेरे साथ ही रहूंगा। उतना ही ना? माँ कसम। तो चल।
मम्मी, इसके सपनों की रानी की बात की तो बच गया। फ्राइडे, आज तो मेरी मैना मंदिर जाएगी शायद। अभी कॉलेज जाऊं या मंदिर जाऊं? मंदिर ही जाना चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः। रुक रुक रुक, प्रसाद ले। नहीं माँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहीं खा लूंगा मैं। मंदिर जा रहा है, तुझे तो कॉलेज जाना चाहिए ना। माँ, पंडित जी ने क्या कहा, किसी एक लकी शुक्रवार मेरी मैना मंदिर आ सकती है। आई एम ट्राइंग माय लक टुडे। देख, तू जो चाहता है वो कर, लेकिन स्टडीज को निगलेक्ट मत करना, ठीक है? माँ तुम चिंता मत करो, बस उस लड़की को दिखने दो, फर्स्ट रैंक ला कर दिखा दूंगा। ठीक है, बाय। इसका फोन आ गया। ए, मैं अभी मंदिर में हूँ, मुझे टाइम लगेगा, तू जा। ए, क्या बात कर रहे तू, कल तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहा था कि ऐसे बात करना वैसे बात करना, मैं क्या बात करूं? अरे टेंशन मत ले यार, जो मैंने कहा था उसे वैसे ही बोल दे। ए, बगल में खड़े हो के अगर 10 लोग भी प्राउड करे ना तो भी मेरी जुबान से कुछ नहीं निकलता, और जानकी को देखकर तो मेरी जुबान हकलाना शुरू हो जाएगी। और अगर कहीं गलती से मेरी जुबान से कुछ गलत निकल गया तो वो कभी मेरी नहीं होगी। देख अभी से मैं हकलाने लगा, अरे मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, आ जाना। ए, कान में ब्लूटूथ लगा, मैनेज कर, मैं एक घंटे में आ ही रहा हूँ ना। ए, जानकी आ रही है, प्लीज आ जाना, प्लीज आ जा। अरे यार जो बोला है वो कर। अरे मम्मी क्या करूँ मैं? वो आ गए क्या? कौन वो? वही तुम्हारे दोस्त, आए क्या? आ जाएगा। तुम्हारी दोस्त कहाँ है? आ जाएगी, चलो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम बेटा। क्यों बेटा तुम फिर से आ गए? मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है बेटा, पता नहीं तुम उस लड़की से इतना प्यार क्यों करते हो। आज किसी भी तरह उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, प्लीज कुछ तो कर दीजिए। मैं और क्या कर सकता हूँ, सिर्फ भगवान की पूजा करने के अलावा। हाँ वही पूजा कीजिए ना पंडित जी, कौन सी पूजा करने पर वो मुझे दिखेगी, कौन सी पूजा करने पर मेरा प्यार स्वीकार करेगी, वही पूजा कीजिए पंडित जी। आज के दिन एक खास पूजा होती है, जो भी आज की पूजा सच्चे मन से करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो वो पूजा कीजिए ना पंडित जी। अरे नहीं नहीं नहीं, इन कपड़ों में नहीं बैठना चाहिए, जाकर शुद्ध कपड़े पहन कर आओ, जाओ। हाँ ओके पंडित जी, जाओ जल्दी। ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः। सब ठीक है ना? हेलो ओवर। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है ना? ओवर एक्टिंग मत कर, मैं लाइन पर ही हूँ, तू उस लड़की से बात कर। ठीक है। हेलो हेलो, बोल बे। तुझसे नहीं यार, उस लड़की से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लूटूथ ऑन है क्या? नहीं नहीं, बॉडी वॉर्म है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे डायलॉग बोलना है ना। तुम्हारी फ्रेंड कब तक आएगी? मंदिर गई है, आ जाएगी। वो भी मंदिर में है? हेलो, वो आ गया है, तू कब तक आएगी? एक घंटे में, जब तक मैं ना आऊँ उससे बात मत करना, दूर ही रहना। ओके। वो दोनों आ गए हैं क्या? नहीं अकेला आया है। दूसरा कहाँ है उसे पूछो। सुनो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? पूजा कर रहा है, आ जाएगा। उससे कहो कि झूठ ना बोले, ऐसे झूठे लोगों को मेरी भाषा में फ्लर्ट कहते हैं। क्या बे, क्या चल रहा है वहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो दोनों आपस में फुसफुसा रही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा यार। ये दोस्त बहुत खतरनाक होते हैं, पहले तो तू उस लड़की का ध्यान बटा, क्योंकि अगर वो एक बार भड़क गई ना, साले फोन कट कर देगी वो। नहीं ये गलत है। ए, जैसा कहा है वैसा कर, नहीं तो मैं अभी फोन कट कर दूंगा, समझा? नहीं नहीं, पकड़ता हूँ। ये कैसी आवाज है? मेरा हाथ सहला रहा है। एक थप्पड़ मारो से। ये मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। उसका गेम शुरू हो गया है, लड़कियाँ वही वीक हो जाती है। तू थप्पड़ नहीं मारेगी तो मैं नहीं आऊंगी। वो फ्लर्ट है, मार उसे थप्पड़। ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक है, ये ले। गुड जॉब। ये फट की आवाज कहाँ से आ गई? ये फट नहीं, तमाचा है। तमाचा। मैं घर जाकर आती हूँ। हाँ सी यू, बाय। ओके बाय। पहले उस ब्लूटूथ को ऑफ करो। हाँ ठीक है पंडित जी। आंख बंद करके तुम्हारे मन में जो इच्छा है मांग लो।
आज के दिनों में इतना ट्रेडिशनल लड़का, सरप्राइजिंग। अब आंखें खोलो, ये फल लो, उधर भगवान पर चढ़ाओ और प्रणाम कर लो। पंडित जी, वही लड़की। जरा हटिए, जरा इस साइड, इस साइड। पंडित जी वो तो जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ। अरे बेटा रुको, एक बार पूजा पर बैठने के बाद बीच में उठने से पाप लगता है, पूजा रिवर्स हो जाएगी और वो लड़की हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। पंडित जी ऐसे डराइए मत, अगर वो लड़की मुझसे दूर हो गई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। वो लड़की कहीं नहीं जाएगी, तुम चिंता मत करो। ऐसे समय में भगवान परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में तुम पास हो जाओगे तो भगवान तुम्हारी सुन लेगा। अगर वो लड़की अभी तुमसे दूर चली भी गई तो हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाए, इसलिए इस पूजा को पूर्ण करना ही होगा। ये लो फल वहाँ पर रख दो और भगवान को प्रणाम करो। रखो, आंखें बंद कर लो। हाँ, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम। इधर देखो, उधर मत देखो, मन से पूजा करो। इष्ट काम्यार्थम अहमिति रस्तु।